आज की रेसिपी होगी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तो मैं यहाँ पर इसके लिए ट्राई कलर पास्ता बना रही हूँ एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी आप चाहो तो बटर यूज़ कर सकते हो इसमें थोड़ी सी कटी हुई गार्लिक डाल देंगे और एक कटी हुई प्याज ठीक है मीडियम साइज़ की प्याज इसके बाद इसमें एक टमाटर को मैंने ग्राइंड करके डाल दिया और इसमें लाल मिर्च नमक और ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स और इसके बाद रेड चिली सॉस सोया सॉस और टमाटो केचप डाल कर इसे अच्छे से पका लेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे बॉइल्ड पास्ता ठीक है यहाँ पर हमारा ऑरेंज पास्ता रेडी हो चुका है तो आप बनाएंगे सेकेंड कलर कौन सा है वाइट हाँ वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे ठीक है इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल देंगे बटर मेल्ट होने पर मैदा डाल देंगे मैदा जितना टू टेबल स्पून जितना मैदा डाल देंगे ठीक है इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके वन कप जितना ऑयल डाले, डालेंगे सॉरी मिल्क डालेंगे ठीक है मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ठीक है कोई लम्पस नहीं रहना चाहिए और इसके बाद इसमें डालेंगे ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स ब्लैक पेपर थोड़ा सा नमक इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लम्ब नहीं आना चाहिए यहाँ पर फ्लेम मीडियम रखेंगे ठीक है इसमें दो चीज़ स्लाइस मैंने ऐड कर दिया और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर बॉइल्ड पास्ता इसमें डाल देंगे ठीक है इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये हमारा वाइट सॉस पास्ता यानी कि वाइट कलर वाला पास्ता रेडी हो चुका है ठीक है चलो बनाते हैं ग्रीन कलर का पास्ता तो इसके लिए मैं यहाँ पर पुदीने की चटनी जो होती है ना ग्रीन चटनी वो वाली मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये हमारा ग्रीन कलर का रेडी हो चुका है चलो अब इसे सर्व कर यहां पर ऑरेंज कलर डाल दिया और फिर सेकेंड होता है व्हाइट कलर व्हाइट कलर का पास्ता रख दिया फिर ये ग्रीन वाला पास्ता तो हमारी यहां पर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर पास्ता बनकर तैयार हो चुका है कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट में जरूर बताना चैनल पर नहीं आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे थैंक्स फॉर वॉचिंग ओके जी बाय